स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जबलपुर आगमन हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर के संस्कार कावड़ यात्रा में शामिल हुए। विजयवर्गीय ने जबलपुर की कावड़ यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जबलपुर की कावड़ यात्रा ऐतिहासिक और भक्तिमय वाली यात्रा है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि कावड़ यात्रा में एक लोटे में नर्मदा का जल और दूसरे में पौधा था। जबलपुर की कावड़ यात्रा प्रेरणा देने वाली है और नदी का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण का संदेश देती है। विजयवर्गीय ने कहा कि नर्मदा में अब कोई गंदा नाला नहीं मिलेगा। शहर के गंदे नाले को एसटीपी से जोड़ दिया गया। अब शहर का कोई भी गंदे नाले का पानी नर्मदा में नहीं मिलेगा, बल्कि वो साफ होकर नर्मदा में मिलेगा। जबलपुर की सड़कों में बारिश के चलते हुए गड्ढों को भरने का काम भी शीघ्र किया जाएगा। बंगाल की हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि बंगाल में हिंसा का कार्य एक नेक्सस कर रहा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सवाल पर उनका कहना था कि राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय राज्यपाल और राष्ट्रपति का है। अपने एक सांस्कृतिक विरासत होती है। एक अब हर राज्य के अंदर अलग, जैसे हमारा एक विविध प्रकार का राज्य, हम जाएंगे अगर तो इधर गोंड आदिवासी मिलेंगे, उनकी परंपरा अलग है। इधर भील भिलाली मिलेंगे, उनकी परंपरा अलग है। बुंदेलखंड में एक अलग परंपरा है। तो हम उन सब परंपराओं का सम्मान करते हुए ही कोई भी नियम बनाएंगे। उनके कदम को कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार ने अगर कुछ कदम उठाया तो हम सोच समझ के उठाया होगा और वहाँ की प्रदेश की जनता के हित में उठाया होगा। अब तो सेटल हो गया, अब तो कुछ ममता बनर्जी के साथ जो है आरोप लग रहे हैं कि बैठक हुई थी दिल्ली में, उनके साथ व्यवहार किया गया था, आरोप भी लगने में। नहीं, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया और ममता जी आई, वो इसीलिए आई थी कि विवाद करें, क्योंकि उनका उद्देश्य नीति आयोग की बैठक में भी बहुत पॉजिटिव नहीं था। और इसीलिए नीति आयोग ने भी स्पष्ट किया कि उनको पहले बोलने के लिए 5 से 7 मिनट का समय दिया था और उसके बाद हमने पूरा समय दिया। उसके बाद लंच के बाद फिर उनको बोलने का मौका था, पर वो नाराज होकर चले गई। उन्हें तो न्यूज़ बनाना थी। उस बैठक में उपस्थित होने का मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी इच्छा थी। कैलाश जी, चूँकि बारिश का मौसम है, रोड अब जो है लगातार जहाँ पर भी अलग अलग विधानसभा रोड अब देख रहे हैं कि गर्जर होती जा रही है, उसको लेकर कावड़ यात्रा तो सभी निकालते हैं और जबलपुर की बहुत ऐतिहासिक, धार्मिक और बहुत ही भक्तिमय, जोश भरी कावड़ यात्रा है। और विशेषकर जो मैं प्रभावित हूँ उस बात से कि कावड़ के एक लोटे में तो माँ नर्मदा मैया का जल था और दूसरे लोटे में वृक्ष था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और मैंने देखा कि एक नए तरीके से उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रयास जबलपुर की जनता कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत विशाल कावड़ यात्रा है, जहाँ वो धर्म और संस्कृति का संदेश देती है, वहाँ पर्यावरण को ठीक करने का संदेश भी दे रही है। और मैं समझता हूँ कि ये पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, माँ नर्मदा मैया की रक्षा करना और साथ ही पेड़ लगाना। ये बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत प्रेरणा देने वाली कावड़ यात्रा जबलपुर की संस्कार धानी से निकलती है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ और जबलपुर के सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चर्चा सारे विश्व में हो रही है और सारा विश्व इसके निराकरण की तरफ जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम रोज़ सुबह अभी TV खोलते और देखते हैं तो कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, कहीं पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। ये सब सूचक है मानवता के लिए कि अब समझ जाना चाहिए। प्रकृति का दोहन करने का अधिकार तो है, हमको शोषण करने का अधिकार नहीं। और मुझे लगता है कि विश्व का मानव समाज प्रकृति का शोषण कर रहा है और इसीलिए बहुत सारे प्रभाव सारी दुनिया के अंदर हमें दिखाई देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि भारत के संस्कारों में
प्रकृति का सम्मान है, प्रकृति की पूजा है और प्रकृति के साथ एक रूप का है, और इसलिए हम नदी को माँ कहते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, नाग की भी पूजा करते हैं। तो हमारे संस्कारों में प्रकृति का संरक्षण है और प्रकृति और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं, ऐसा हम मानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और उनका ही संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। हमें गर्व है इस बात का कि इंदौर की जनता ने 12,40,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ है कि एक दिन में 12,40,000 से ज़्यादा पेड़ लगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इंदौर ने 2,00,000 पेड़ लगाए उसका जिक्र किया था, पर आज उन्होंने ट्वीट किया कि एक दिन में 12,40,000 पेड़ लगे और इंदौर वासियों को बधाई। तो प्रधानमंत्री जी के इस इंदौर की जनता की इच्छा शक्ति की प्रशंसा करने से हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जबलपुर ने भी नदी का संरक्षण इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से और प्रकृति का संरक्षण इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं जबलपुर वासी, हमारे मेयर साहब, उस यात्रा के संयोजक और उसमें विशेष रूप से निराहार रहने वाले संत दादा गुरु जी की उपस्थिति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज हम STP के माध्यम से जितना भी गंदा पानी जबलपुर का है वो शुद्ध होकर, क्योंकि पहले आपको याद होगा विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था तो मैंने कहा था कि जबलपुर में अब कोई भी गंदा नाला नदी में नहीं मिलेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे महापौर जी ने पूरी ताकत के साथ जो हमने विधानसभा में वादा किया था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि नर्मदा जी दुनिया की एक पवित्र नदियों में से एक है, कम देश में सबसे कम पॉल्यूटेड नदी है, इसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम उसकी चिंता करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जबलपुर में जितने भी गंदे नाले मिल रहे थे उसको सबको STP से जोड़ दिया गया है और STP के माध्यम से उसमें से अच्छा पानी निकल कर ही नर्मदा जी में मिलेगा। अब कोई भी गंदा नाला जबलपुर में नर्मदा जी में नहीं मिलेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छोटी छोटी नगर पालिका और नगर निगमों का पानी भी नर्मदा जी में नहीं मिले। हम उसका टारगेट समय सुनिश्चित करेंगे और नर्मदा जी में मध्य प्रदेश में कोई भी गंदा नाला नहीं मिले, इसका प्रयास हम करेंगे, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमें निर्देश दिए। जब भी कोई घटना होती है उससे सीख तो लेना ही चाहिए और दिल्ली की घटना बहुत दुखद है और 3 युवाओं के जान गई है, इसकी देश के अंदर की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो हमारा विभाग भी ये निर्देश देगा सभी नगर निगमों को कि जहां पर उस मकान की क्षमता से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उनकी सुरक्षा के ऊपर एक बार आकलन जरूर करें। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR News के साथ।